सो गाइज आई एम रेडी। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा मेकअप इसने क्यों कर लिया, तो इतना मेकअप नहीं है, बेस में मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस लिपस्टिक अप्लाई किया है न्यू वाला जो मेरा मैंने बताया था, रिव्यू मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और वो न्यू आई शेडो पहना है, आप देख सकते हो pigmentationbomb.com। तो ये मेरा जैकेट भी न्यू है, तो अभी मैं निकल रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। सो मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मम्मी भी जा रही है, तो चलिए निकलते हैं। सो आज है मेरा डे ऑफ एंड आज मुझे किसी ज़रूरी काम से कैफ़े जाना पड़ रहा है, जिस वजह से जो कैफ़े है मेरा वो बिल्कुल नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के पास में है। तो आज मैं आप लोगों को ले चलूँगी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में। तो ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बिल्कुल ग्रीनरी वाला, एंड ये है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का जो है गेट। तो यहाँ पर बहुत सारे गेट्स हैं, तो मैंने अपने जो घर के नियर बाई है वो गेट से मैं आज यहाँ पर अंदर आ रही हूँ। सो आज मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी का जितना हो सके, वैसे बहुत ही बड़ा एरिया है यूनिवर्सिटी का, तो फिर भी मैं जितना हो सके कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं गेट से अंदर आ चुकी हूँ एंड मास्क पहनने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, तो मास्क को करते हैं रिमूव। अभी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, तो अभी मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन सी जगह किस मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से गेस्ट हाउस स्टार्ट होता है, तो मैं बैक कैमरे से आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो अभी हम जिस मतलब अंदर आए थे उस वाले गेट से सीधा आने के बाद हमें मिलता है गेस्ट हाउस, तो इस साइड में लेफ्ट साइड में आपको गेस्ट हाउस मिलेगा। तो पहले हम लोग आपको मतलब मैं आपको पहले गेस्ट हाउस दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का एरिया जो है मैं कवर करूँगी। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लंबे लंबे पेड़ ग्रीनरी ना। पहले हम लोग जा भी सकते थे, जब बचपन में हम लोग आते थे ना यहाँ पर घूमने, तो यहाँ पर अंदर जाना भी अलाउड था, लेकिन अभी शायद हम लोग यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गेस्ट हाउस के अंदर। सो यहाँ पर फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं एंड शायद अभी भी एंट्री है यहाँ पर, तो चलिए अंदर दिखाती हूँ। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो एरिया था, बचपन में आई थी, अभी बहुत दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ। कैन सी, सामने से दिखाती हूँ आप लोगों को। सो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना एंड बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स है यहाँ पर, जैसे कि द रेड रोजेस। बचपन में आती थी एंड अभी बहुत साल हो गए उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ का ग्रीनरी एंड यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर मछली वगैरह उभी रहते थे बचपन में, अभी पता नहीं है या नहीं। तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। पीछे आप लोग देख सकते हो यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस एंड बिल्कुल उसके फ्रंट में है ये, आपको मैंने बैक कैमरे से भी दिखाया, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। तो यहाँ पर आई हूँ तब फोटोशूट तो थोड़ा बहुत करूँगी एंड उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के दूसरे एरिया कवर करूँगी। सो यहाँ पर गेस्ट हाउस जो है लिखा गया है, प्लांट्स को कट करके फिर यहाँ पर गेस्ट हाउस लिखा गया है। तो अभी मैं निकल रही हूँ फ्रॉम द गेस्ट हाउस, तो आगे जाके आप लोगों के साथ और भी शेयर करूँगी क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग चेक करो द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कितना ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। एंड देख सकते हो आप लोग ग्रीनरी, हमारे यहाँ पे यही एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, मतलब हमारे पास में। तो हम लोग ये जो रोड से जा रहे हैं उसके दो साइड में आप लोग देख सकते हो, एक साइड में फॉरेस्ट जैसा और एक साइड में झील जैसा है। ये सब हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है यूजुअली ना, तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो आप लोग मैं कितना खुश हूँ यहाँ पर आके। तो ये साइड लेफ्ट साइड जो है मेरा उस साइड में है झील एंड यहाँ पर अभी पानी है एंड जब बारिश का टाइम होता है तब तो पूरा पानी फुल रहता है। एंड मेरे राइट साइड में है मतलब जंगल,
तो अभी इस रास्ते से जा रही हूँ, तो इस रास्ते में आप लोग सिर्फ यही देख पाओगे कि झील है एक साइड में, मतलब देख सकते हो आप बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी। मतलब यहाँ पर, हमारे यहाँ पे तो ये सब कुछ नहीं मिलता है देखने के लिए, तो यहाँ पर ही सिर्फ आके ये सब कुछ देखने को मिलता है। सो यहाँ पर और एक बड़ा झील है एंड बिल्कुल विलेज वाइब्स है। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, फिशर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि अभी बंद है, आप लोग देख सकते हो। कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं खुला है, सिर्फ यहाँ पर ऑफिशियल जो वर्क्स है वही चल रहा है, जिस वजह से ये यूनिवर्सिटी का जो, मतलब स्टूडेंट्स का जो डिपार्टमेंट्स है वो सब कुछ बंद है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाज झाड़, तो यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, सारे के सारे पेड़ पौधे, जितने भी मतलब मेडिसिनल प्लांट्स, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आके आपको आइस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रीनरी है, ग्रीनरी है। एंड यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए भी सब लोग बहुत आते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं नहीं आती हूँ। एंड थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस है मेरे घर से, ज़्यादा भी नहीं। एंड प्लांट्स को इतना अच्छा शेप दिया जाता है यहाँ पर, सब कुछ मेंटेनेंस होता है यहाँ पर। रविंद्र भानु मंचो, यहाँ पर के सामने है राम मोहन का स्टैचू, एंड उसके सामने है ये बौद्धोजा पार्क, जहाँ तो ये है रविंद्र भानु मंचो, जहाँ पर मैं बचपन में मतलब मेरे स्कूल्स के जो भी कल्चरल परफॉर्मेंस मतलब प्रोग्राम्स होते थे, सब कुछ यहाँ पर किया जाता था। जो भी मतलब बड़े प्रोग्राम्स होते थे वो यहाँ पर, ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर किया जाता था। एंड हियर यू कैन सी राम मोहन स्टैचू, एंड बिल्कुल उसके पास में है पौधोजा पार्क, जहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, फिर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, रोजेस बहुत सारे हैं यहाँ पर। राम मोहन का जो स्टैचू है वो, एंड बिल्कुल उसके सामने और एक ऑफिस है जो कि मेन हेड ऑफिस है यहाँ का। सो अभी मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में है पौधोजा पार्क, एंड जो कि बहुत ही एक बड़ा एरिया है। एंड मेरे राइट साइड में है, जो आप लोग अभी देख सकते हो, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एंड बिल्कुल उसके ऑपोजिट में है यहाँ पर, ये जो आप देख सकते हो ये है लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है ये। यहाँ पर है स्टाफ कैंटीन, आप लोग देख सकते हो। ये जो बिल्डिंग आप लोग देख सकते हो, एक है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, एंड दूसरा वाला जो बिल्डिंग, मतलब ये वाला जो है वो है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का बिल्डिंग, एंड नेक्स्ट वाला जो है वो है, उसमें है जियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी आई थिंक। सो ये जो बिल्डिंग आप लोग देख पा रहे हो, ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो कहीं पे भी नहीं है एज बिकॉज सब कुछ अभी बंद है, तो स्टूडेंट्स तो नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैं जिस जगह पे, मतलब इस मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बिल्कुल पास में ही है, यहाँ पर शाल बागान बोलते हैं जिसको, तो वो शाल बागान भी बहुत बड़ा, मतलब शाल का पेड़ है वहाँ पर। एंड वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया जो है बिल्कुल मतलब बड़े बड़े पेड़ से है, तो वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल सामने है मेरे। तो ये जो एरिया है आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ द शाल बागान। सो यहाँ पर बिल्कुल भूल भुलैया है, मम्मी तो भूल ही गई है, पता नहीं कौन सा रास्ते से जाए नहीं जाए। तो ये वाला जो आप रोड देख सकते हो ना, ये रोड जाके और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, गार्ड का ऑफिस है, फिर कामान, वो कामान को तो हमको छोड़ के ही चले आए, कामान भी था सामने, नहीं दूर में था। तो उस साइड में एक ब्रिटिश पीरियड का एक कामान भी रखा गया है। सो ये है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो अभी मैं जिस रास्ते से आ रही हूँ, मेरे राइट साइड में है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एंड मेरे लेफ्ट साइड में है शाल बागान। यह है डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। यह है डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो कि बिल्कुल मैथमेटिक्स और फिजिक्स डिपार्टमेंट के पास पास में है। एंड हियर कैन सी द गेट, शाल कुंजो यहाँ पर लिखा गया है। यह है यूनिवर्सिटी का फैकल्टी क्लब, एंड उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर।
तो एंड उसके सामने है म्यूज़ियम, ये जो आप देख सकते हो ना, ये सामने ये है म्यूज़ियम। सो आज मैंने जितना हो सके कवर करने की कोशिश किया, लेकिन उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि यहाँ पर है हमारा म्यूज़ियम यूनिवर्सिटी का, जो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। लेकिन डेफ़िनेटली फिर आऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि ये म्यूज़ियम में क्या क्या है नहीं है। मैं पहले आई थी, बहुत अच्छा प्लेस है, आप लोगों के साथ भी डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। एंड कामान जो है मैंने आपको कहा, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड का यहाँ पर एक कामान भी है, वो एरिया भी मैं कवर नहीं कर पाई, तो उसमें भी मैं जाऊँगी। डेफ़िनेटली नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब सो ये है यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ MBA। तो ये है वो डिपार्टमेंट्स, एंड उसके ऑपोजिट में है यहाँ पर एक ऑफिस ऑफ इस्टेट ऑफिसर एंड विद्यासागर मंच। यहाँ पर आप लोग ना बहुत पुराने पुराने पेड़ जो है यहाँ पर देख सकते हो, बड़े बड़े। सो ये है एक छोटा सा झील जिसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है, जिस ब्रिज में हम लोग खड़े हैं। एंड ये जो झील है, पता नहीं झील है या नदी है, तो ये फॉरेस्ट के अंदर अंदर से जाता है। स्टूडेंट्स कैंटीन, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स का कैंटीन। एंड ये है एक प्लेग्राउंड। सो सामने आपको दिख रहा है ब्लू कलर का जो बिल्डिंग है, वो है गर्ल्स हॉस्टल। रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ऑफ नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी है, अंदर जियोग्राफी का डिपार्टमेंट भी है जहाँ पर मैं पढ़ती थी, एंड डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली। तो यहाँ पर सब कुछ है, लोकल लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। एंड यहाँ पर और भी दो रास्ते जाते हैं, यहाँ पर एक एंड यहाँ पर एक, तो मैं सामने वाले रास्ते से जाऊँगी। एंड सामने जो ये बिल्डिंग आप लोग देख सकते हो, ये है बिल्डिंग ऑफ इनोवेटिव स्टडीज। बैठो, आपको बैठना है तो। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं थोड़ी देर के लिए। मम्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी है, उनके पैर दुख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर सब लोग बैठते हैं आके, तो हम लोग भी बैठे हैं, तो थोड़ी देर बैठ के फिर निकल जाएंगे। सो हम लोग थोड़ी देर, 5 मिनट नहीं बैठे, उसके बाद फिर अभी चल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ना। मैं तो नहीं थकी थी, लेकिन मम्मी थोड़ा थक गई थी, इस वजह से उनको थोड़ा बैठना था, तो हम लोग बैठ लिए थोड़ा, एंड अभी निकल रहे हैं। सो यही है वो गेट, जिस गेट से हम लोग एंटर कर चुके थे, एंड वही गेट से अभी हम लोग निकल रहे हैं। वैसे बहुत सारा गेट है ये यूनिवर्सिटी का, आप कहीं से भी निकल सकते हो, लेकिन मेरे घर के पास से यही जाता है, इस वजह से मैं इसी से निकल रही हूँ। सो वी आर ऑलमोस्ट डन, एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं, सामने ही है गेट, निकल जाएंगे अभी। तो यहाँ पर है एक पार्क, यूनिवर्सिटी के अंदर एक पार्क भी है, तो जहाँ पर हम लोग ना बचपन में आते थे, यहाँ पर पार्क में। तो अभी पार्क भी बंद ही है, तो अभी हम लोग निकल जाएंगे। क्या डेफिनेटली जो भी पार्ट्स यहाँ का बाकी था ना, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।